हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनिशा फैमिली। कैसे हो दोस्तों आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, एक बोटीज की वीडियो डाली थी मैंने, वो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। बच्चों के जो सॉक्स या जिसको शूज बोलते हैं, तो आप लोगों को बहुत पसंद आए थे। आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि इस तरह की और भी वीडियोज डालिए। तो आज मैं ये बना रही थी तो मैंने सोचा इसकी वीडियो अपलोड कर देती हूँ। ये देखिए कितनी क्यूट सी बोटीज हैं बच्चों के लिए। ये 6 से 9 महीने के बच्चों के लिए है। अगर आप चाहते हैं बड़े बनाना या छोटा बनाना, दोनों ही आप बना सकते हैं। जो स्टार्टिंग के जो ये डबल क्रोशिया जो हमने चैन ली थी, ये चैन अगर आप दो दो बढ़ाते जाएंगे तो एक जिस तरह बड़े बच्चों की बना रहे हैं, तो ये मैंने 6 से 9 महीने के बच्चे के लिए बनाई। आप साल भर के बना रहे हैं तो दो दो चैन इंक्रीज कर दीजिए। और इसी तरह से अगर आप 6 महीने तक के बच्चे के लिए बना रहे हैं तो दो चैन कम कर दीजिए। तो इस तरह करके आप छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो आई होप आप लोगों को ये भी पसंद आएगी। और बनाने में ये बहुत ही आसान है। अगर आप बिगनर हैं तो भी इन्हें बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये हम इसके लिए बेबी वूल लेंगे वर्धमान की। और यहाँ पे मैंने 3 mm का क्रोशिया हुक लिया है। तो यहाँ हम बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे और स्लिप नॉट बनाने के बाद हम यहां पर 17 यानी 17 चैन बनाएंगे। ये देखिए यहां पे इस तरह से 17 चैन बन गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 17 चैन बनाई है। अब हम एक दो चैन को स्किप करेंगे और जो तीसरी चैन है यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से फिर नेक्स्ट चैन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। और डबल क्रोशिया किस तरह से बनाते हैं, ये देखिए पहले एक लूप लेंगे और इस तरह से चैन में क्रोशिया हुक को डालेंगे, फिर एक लूप लेंगे। अब ये 3 हो गए। एक लूप लेके दो में से निकालेंगे, एक लूप लेके दो में से निकालेंगे। और अब इस तरह से हर एक चैन में डबल क्रोशिया बनाते हुए यहां देखिए इस तरह से एंड तक मैं कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हमने 2 की चैन स्किप की थी और उसके बाद हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाया था। टोटल यहां पर 14 यानी 14 डबल क्रोशिया हो गए हैं और लास्ट की अभी एक चैन बाकी है। इस चैन के अंदर हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चैन में। 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए एक ही चैन में हमने 7 बार डबल क्रोशिया बनाया। अब हम इससे अगले वाली चैन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे हर एक चैन में एक बार। ये देखिए ये हर एक चैन में एक बार बनाते हुए इसी तरह से हम 14 यानी 14 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहां पर भी हमने 14 यानी 14 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहां पर हम नेक्स्ट चैन है ये कि यहां पे इसमें हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे यानी 7 डबल क्रोशिया एक ही चैन में। 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए एक में ही हमने 7 बना लिए। और यहां पर जो 2 चैन बनाई थी वो नहीं, हमने डबल क्रोशिया बनाया था, तो जो डबल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर वाली चैन में हम इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए अब हमारा इस तरह से हो गया। 14 डबल क्रोशिया इधर है, 14 इधर है, 7 इधर है और 7 इधर है। ये इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम इस तरह से फिर से 2 चैन लेंगे और जहां हमने अभी
स्लिप स्टिच किया था, इसी चैन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे अगली जितनी भी सिंगल हमने जो एक एक डबल क्रोशिया बनाए थे, इनके ऊपर हर एक चैन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 14 के ऊपर 14 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ हमने जो दो चैन बनाई थी इसको काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हमारे 14 हो गए। अब देखिए यहाँ हमने जो 7 डबल क्रोशिया बनाए थे उसके ऊपर वाली चैन स्टिच में हम दो दो बनाएंगे, यानी हर एक चैन स्टिच में दो। तो ये देखिए 7 बनाए थे तो 7 टाइम हम दो बार बनाएंगे, एक दो, फिर नेक्स्ट वाला दूसरा है इसमें भी 3 4, ये हम दो दो बनाएंगे इस तरह से 14 होंगे। फिर तीसरे में 5 6, फिर चौथे में 7 8, फिर पांचवे में 9 10, फिर छठे में 11 12 और सातवें में 13 14। ये देखिए इस तरह से हमने 7 में दो दो करके 14 बना लिए, यानी हर एक चैन स्टिच में दो बार बनाया। अब जो हमारे पास ये 14 डबल क्रोशिया है, इनके ऊपर हम एक चैन में एक बार बनाते हुए 14 के ऊपर 14 डबल क्रोशिया बना लेंगे, यानी अगली जो 14 स्टिच है उसमें हम एक एक बनाएंगे। तो इस तरह से ये एक हुआ, इस तरह से हम यहाँ 14 तक कम्प्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 14 के ऊपर 14 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। आप देख सकते हैं एक एक में, एक स्टिच में एक बार बनाते हुए। ये देखिए अब यहाँ पे हमने 7 बनाए थे, तो जैसे हमने यहाँ पे किया था एक स्टिच में दो बार, तो इसी तरह से हम ये 7 जो स्टिचेस हैं इसमें एक स्टिच में दो बार बनाएंगे। ये देखिए 1, फिर इसी में बनाएंगे 2, फिर नेक्स्ट में 3 4 5 6 7 8 9 10, इलेवन 12 13 14। ये देखिए यहाँ 7 स्टिचेस थे, हर स्टिच में दो बार बनाते हुए मैंने 14 स्टिच बना लिए। अब यहाँ पे देखिए जो दो चैन थी इसको काउंट भी नहीं करेंगे और इसको स्किप करेंगे, यानी इसका कोई काम नहीं है। ये हम स्टार्टिंग में हमने जो पहला डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर वाली चैन में हम इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये देखिए जो हमारा सोल है ये कंप्लीट हो गया है। और इस तरह से यहाँ पे आप देखिए हमारे यहाँ पे 14 स्टिचेस हैं, यहाँ पे भी 14 है और यहाँ पे भी 14 और यहाँ पे भी 14, यानी टोटल हमारे पास 56 स्टिचेस हैं। तो ये जो सोल था हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये देखिए यहाँ से हम ये इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम नॉट लगा के और इस वोल को कट कर देंगे। ये हमारा सोल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम मार्कर लेंगे, तो ये देखिए इस तरह से मैं सेफ्टी पिन दे रही हूँ, तो आप इसी तरह से वूल ले सकते हैं या सेफ्टी पिन ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए जो सेंटर है यहाँ पे हम इसको लगाएंगे, एक मार्क हम यहाँ करेंगे सेंटर से, और यहाँ से हम 28 स्टिच काउंट करते हुए दूसरा मार्क यहाँ लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दोनों जगह मार्कर लगा लिया है। यहाँ हमने एक सेंटर पे लगाया है और 28 स्टिच यहाँ पे और 28 स्टिच यहाँ पे है, यानी दोनों का हाफ हाफ कर लिया है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये जो है इस मार्कर को हम यहाँ से हटाएंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसी चैन स्टिच से। यहाँ हम दो चैन बनाएंगे। ये देखिए हमने दो चैन बनाई।
और ये जो हमने दो चैन बनाई है इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो अब हमने जहां ये मार्क ये जो चैन स्टिच है इसी के अंदर से हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये जो दो चैन है इसको काउंट नहीं करेंगे, ये डबल क्रोशिया है इसको काउंट करेंगे। फिर इससे नेक्स्ट वाली चैन है इसमें फिर इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी अब हमने कोई घटाना बढ़ाना नहीं है। और ये देखिए राइट साइड से हमने स्टार्ट करना है, ये देखिए ये रॉन्ग साइड है, अंदर की तरफ होगी और ये हमारी बाहर की तरफ राइट साइड है। यहां से हम बनाना स्टार्ट करेंगे और अब जो हमारी जितनी भी चैन स्टिच हैं सबके अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे राउंड को कम्प्लीट कर लेंगे। तो यहाँ हमारे पास टोटल 56 डबल क्रोशिया आएंगे क्योंकि 14 यहाँ थे, 14 यहाँ और 14 यहाँ और 14 यहाँ, टोटल 56 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने किया और इस तरह से बनाते हुए हम एंड तक यहीं आ जाएंगे, टोटल हम 56 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, इस तरह से इस राउंड को करते हुए यहाँ पे मैंने 56 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब देखिए जो दो की चैन थी इसको नहीं काउंट करना है, जो पहला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर वाले स्टिच में इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से सोल के बाद जो हमारा एक राउंड है ये इस तरह से हो गया। अब फिर से हम नेक्स्ट राउंड के लिए दो चैन लेंगे, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। फिर से हम इसी स्टिच में एक डबल क्रोशिया काउंट बनाएंगे, इसको हम वन काउंट करेंगे। फिर से नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी फिर से हमने हर एक चैन स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाना है। अभी हमारे पास 56 डबल क्रोशिया है तो 56 चैन के अंदर हम एक एक बनाएंगे, यानी टोटल 56 डबल क्रोशिया बनाते हुए भी ये राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हर एक के ऊपर एक बनाना है और इस तरह से करते हुए यहाँ 56 तक बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ, यहाँ हमने 56 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब जो हमारा पहला डबल क्रोशिया था उसके ऊपर वाली चैन में इस तरह से हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया दो राउंड। अब यहाँ पे मैंने मार्कर लगाया है, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, यहाँ मैंने 16 स्टिच के बाद 17 पे यहाँ मार्कर लगाया है और यहाँ 24 पर। तो यानी यहाँ हमारे 16 डबल क्रोशिया है और यहाँ इस मार्कर से इस मार्कर तक 24 डबल क्रोशिया है। तो ये देखिए अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से दो चैन लेंगे, ये देखिए, और फिर इसी स्टिच के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये दो चैन को काउंट नहीं करना है, डबल क्रोशिया को ही काउंट करेंगे वन। और इस तरह से एक चैन स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम 16 यानी कि 16 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से करते हुए यहां तक हम 16 यानी कि 16 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहां तक हमने 16 यानी कि 16 डबल क्रोशिया बना लिए हैं एक एक करके। अब हम यहाँ पे देखिए ये आगे का फ्रंट साइड बनेगी, तो यहाँ पे हम कम करेंगे। तो ये देखिए जो नेक्स्ट वाली स्टिच है इसमें हम इसको देखिए इस तरह से निकालेंगे, ये देखिए। अब हम यहां से रिड्यूस करेंगे, यानी पहले तीन से हम दो बनाएंगे और फिर नेक्स्ट स्टिच में हम क्रोशिया हुक को डालेंगे, फिर यहाँ दो का एक करेंगे। अब ये तीन है इसको एक करेंगे, तो इस तरह से ये दो का एक हो गया यानी एक हो गया। इस तरह से हम यहां तक 12 यानी 12 बार करेंगे, तो ये एक हो गया। फिर नेक्स्ट में ये देखिए दो हुक को इसी के ऊपर रखेंगे, फिर नेक्स्ट में ये दो का एक किया, अब तीन हो गए, तीन से एक करेंगे, तो ये दो का एक हो गया यानी टू टाइम हो गया। ऐसा हम 12 टाइम करेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9
टेन इलेवन ट्वेल्व, ये देखिए इस तरह से हमने दो का एक जो किया है ये 12 टाइम किया है। यहाँ हम अपने यहाँ पे पहुंच गए हैं जहां हमने मार्क किया था। अब हम यहाँ पे जो बाकी के स्टिचेस यानी 16 स्टिच हैं, यहाँ पे हम एक चैन में एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम 16 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए वन, और इस तरह से हर एक चैन स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए एंड तक हम यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक बना लिया। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चैन में स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमने ये दो मार्कर लगाए हैं। इस बार हम पिछली बार हमने 16 पे लगाया था, अब हमने यहाँ से जो डबल क्रोशिया बनाएंगे 12 यानी 12 डबल क्रोशिया के बाद वाली चैन में लगाया है, और इसी तरह से यहाँ भी हमने 12 यानी 12 डबल क्रोशिया के बाद वाली चैन में लगाया है, और बाकी के यहाँ हमारे बाकी के बच जाएंगे। तो इस तरह से हम पहले दो चैन बनाएंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। इसी चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसको काउंट करेंगे। तो ये वन, फिर नेक्स्ट में टू, फिर नेक्स्ट में एक, थ्री, इस तरह यहाँ पे 12 यानी 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 12 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ से फिर से हम रिडक्शन करेंगे यानी घटाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे घटाया था। देखिए इस बार हमने ये 4 डबल क्रोशिया यहाँ एक्स्ट्रा रखे हैं। तो ये देखिए यहाँ हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से हम फिर से घटाना शुरू करेंगे इस चैन से। ये देखिए नेक्स्ट वाले से शुरू करेंगे। पहले ये देखिए दो, तीन का दो बनाया, दो लूप क्रोशिया हुक पे रखेंगे, फिर नेक्स्ट में लेंगे, ये देखिए अब तीन हो गए, तीन का एक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये दो का एक हो जाता है। तो ये एक हो गया, फिर नेक्स्ट में इसी तरह से करना है। अब हम इसको एक कर देंगे, ये देखिए एक दो, इस तरह से नेक्स्ट जो मार्कर है वहां तक हम ये दो का एक करते जाएंगे। ये देखिए थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे 10 टाइम ये दो का एक किया है। अभी यहाँ पे हमारे जो स्टिचेस बचे हुए हैं यानी 12 स्टिच बचे हैं, ये हम एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे यहाँ एंड तक। ये देखे फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ, और यहाँ पे जो पहला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर वाली चैन स्टिच में हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये राउंड हमारा कम्प्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैंने यहाँ से जो 10 चैन छोड़ के यानी 11वीं चैन में यहाँ पे मार्कर किया है, और यहाँ पे भी 10 चैन छोड़ के 11वीं चैन में यहाँ हमने मार्क किया है। तो अब फिर से हम नेक्स्ट राउंड के लिए दो चैन बनाएंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। इसी चैन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो डबल क्रोशिया है ये हमारा वन काउंट होगा, और इसी तरह से नेक्स्ट चैन में एक बार और एक एक बार बनाते हुए 10 डबल क्रोशिया हम यहाँ तक बना लेंगे। ये देखे फ्रेंड्स, यहाँ हमने 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ पे ये मार्कर है, इसको हटाएंगे, और यहाँ से हम नेक्स्ट वाली चैन से फिर से हम रिडक्शन यानी कम करना चालू करेंगे। ये देखिए ये हम दो लूप रखेंगे क्रोशिया हुक पे, और नेक्स्ट में डाला। अब ये देखिए तीन का एक करेंगे, यानी ये हमारे दो का एक हो गया। फिर इसी तरह से नेक्स्ट में भी करेंगे,
ये देखिए, एक तो तीन, चार, पांच, छः, सात। ये देखिए इस तरह से आगे हमारा ये फ्रंट बन गया। यहाँ पे हमने ये दो का एक सेवन टाइम किया है और बाकी के जो अभी 10 डबल क्रोशिया बच गए हैं इनको हम एक एक के ऊपर एक एक बनाते हुए, यानी हर एक चैन स्टिच में एक बार बनाते हुए यहाँ एंड तक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ हमने जो फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया था यहाँ पे हम उसके ऊपर वाली चैन में स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अभी हम नेक्स्ट ऊपर इस बार फिर से बनाएंगे दो चैन और यहाँ पे अब हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने फ्रंट पोस्ट बनाया। एक बार हम पीछे से लेंगे यानी बैक पोस्ट बनाएंगे। तो यहाँ हमारे पास 27 स्टिचर, यहाँ हमारे पास 27 स्टिचेस हैं और अब हमने यहाँ 30 बनाने हैं। तो तीन हम बढ़ा देंगे बीच में, यहाँ पे सेंटर में एक बढ़ा देंगे और एक साइड में और एक यहाँ साइड में। तो इस तरह से हम ऊपर 30 स्टिच बना लेंगे। तो ये देखिए हमारा एक हो गया, दो, फिर इसी तरह से एक बैक में लेंगे, थ्री, और एक फ्रंट से लेंगे, फोर। तो ये देखिए एक बार बैक से एक बार फ्रंट से लेते हुए यहाँ हम बना लेंगे और यहाँ पे हम सेंटर से बढ़ा लेंगे, यानी टोटल हमने 30 स्टिच इस तरह से बनाने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 30 यानी 30 फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट दोनों मिला के बना लिए हैं। दो मैंने यहाँ पे फ्रंट पे बढ़ा लिए थे, एक बैक में, तो तीन मेरे कवर हो गए। अब देखिए इस तरह से हमारा जो पहला फ्रंट पोस्ट था उसके ऊपर वाली चैन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। अब फिर से हम दो चैन लेंगे और ये देखिए जो फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर ही हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और जो बैक पोस्ट है यानी बैक से लेंगे और बैक पोस्ट बनाएंगे। तो यानी अब हमने कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है, सिर्फ हमने फ्रंट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाना है और बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट बनाना है, यानी 30 हमारे दोनों मिला के इसी तरह से होंगे। तो ये देखिए यहां से करते हुए मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरा ये सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा फ्रंट पोस्ट था उसके ऊपर वाले स्टिच में हम यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट के लिए इस तरह से टर्न करेंगे और इस साइड से हम बनाएंगे। देखिए अभी हम इस तरह से बना रहे थे, अब हम यहाँ से बनाएंगे। यहाँ हम दो चैन लेंगे और ये देखिए जो हमारी पहले वाली जो चैन स्टिच है इसके अंदर, ये देखिए ये जो पहली चैन स्टिच है इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जो नेक्स्ट वाली चैन स्टिच है यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। बेसिकली हमने यहाँ करना क्या है तो 30 के ऊपर 30 बनाना है, यानी हर एक चैन स्टिच के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो 30 के ऊपर 30 बनाएंगे डबल क्रोशिया और इस तरह से हम तीन राउंड बना लेंगे। पहले एक बनाएंगे, फिर दो, फिर तीन। तो तीन राउंड बना लेती हूँ मैं, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक एक डबल क्रोशिया करते हुए एक, दो, तीन, तीन रो बना ली हैं। अब हम यहाँ ये देखिए ये तीन रो कंप्लीट हो गई। यहाँ 30 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 30, फिर 30, यानी कुछ घटाया बढ़ाया नहीं, एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए मैंने तीन रो कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे नेक्स्ट रो के लिए हम दो चैन बनाएंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। इसी चैन स्टिच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसको हम काउंट करेंगे वन, फिर नेक्स्ट में एक बनाएंगे, दो, तीन, चार। ये देखिए एक में एक बनाते हुए चार बना ली और जो ये पांचवा है इसमें हम दो बनाएंगे, एक और इसी के अंदर दो। ये देखिए एक में हमने दो बनाया, इसी तरह से नेक्स्ट में करेंगे चार डबल क्रोशिया, यानी फोर डबल क्रोशिया हम एक एक में बनाएंगे और फिफ्थ वाली चैन में हम दो बनाएंगे, वन, टू, थ्री, फोर, और फिफ्थ में हम दो बनाएंगे, वन, टू। ये देखिए
इसी तरह से करना है, चार एक में, एक एक में करते हुए चार बनाएंगे और फिफ्थ में दो बनाएंगे। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और जो पहला डबल क्रोशिया है इसकी ऊपर वाले स्टिच में हम यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम 1 2 3 4 फोर चैन बनाएंगे और इसी चैन स्टिच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया बनाया है हमने 1 1 चैन 2 1 चैन 3 1 चैन 4 1 चैन 5। ये देखिए यहां हमने 1 2 3 4 5 फाइव डबल क्रोशिया बनाए, बीच में एक एक चैन बनाई और स्टार्टिंग में जो हमने चैन बनाई थी वो एक डबल क्रोशिया 3 चैन का काउंट किया और एक हमारी चैन, इस तरह से टोटल 6 हो गए। अब यहाँ पे देखिए हम 1 2 3 4 फिफ्थ, फिफ्थ वाली चैन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 चैन। ये डबल क्रोशिया बनाया हमने 1 फिर 1 चैन 2 1 चैन 3 1 चैन 4 1 चैन 5 1 चैन 6। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और बीच में एक एक चैन। तो इसी तरह से करेंगे, हम कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। फिर हम 1 2 3 4 5th यानी फिफ्थ वाली चैन में फिर से इसी तरह से करेंगे, एक डबल क्रोशिया और एक चैन, और इस तरह करते हुए हम इसे यहां तक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूं और यहां पे देखिए 1 2 3 थर्ड वाली चैन के अंदर हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहां पे स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब लास्ट राउंड है, इसके लिए देखिए इस तरह से हम इसमें डालेंगे और यहां पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ये, और फिर जो नेक्स्ट वाली चैन है इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे और फिर 1 2 3 4 फोर चैन बनाएंगे, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, फिर 1 2 3 4 फिर नेक्स्ट होल में स्लिप स्टिच 1 2 3 4 नेक्स्ट में स्लिप स्टिच 1 2 3 4 नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। ये देखिए इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे हम चैन नहीं बनाएंगे, जब सेंटर में आएंगे यहाँ हम डायरेक्ट स्लिप स्टिच करेंगे और फर्स्ट होल में भी डायरेक्ट स्लिप स्टिच करेंगे। अब फिर से यहाँ पे हम 1 2 3 4 फोर चैन बनाएंगे, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच करेंगे 1 2 3 4 फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच 1 2 3 4 नेक्स्ट में स्लिप स्टिच 1 2 3 4 और नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। और यहाँ पे देखिए अब हम चैन नहीं बनाएंगे, यहाँ हम डायरेक्ट स्लिप स्टिच करेंगे और फर्स्ट वाले होल में भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से करते हुए इस राउंड को मैं कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका फाइनल लुक है। आपके पास अगर रिबन है, डोरी है, कुछ भी है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये डाल दिया है, ये देखिए मेरे पास इस कलर का रिबन नहीं था, डोरी थी तो वो मैंने डाल दी है। ये देखिए हमारी बूटीज का फाइनल लुक। तो ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने फीडबैक, अपने कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए और भी लेके आऊँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।